हेलो बच्चों, और मैं श्याम सिंह। आज हम लोग कक्षा 10th की मैथ के बारे में विषय में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं जो है त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं उस चैप्टर के बारे में आपको जो है जानकारी दी जाएगी। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है आपका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के बारे में जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो आप पिछली कक्षा में जो है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे, तो यहाँ पे हमको जो है त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है पहले वो जानेंगे। तो आपको याद रखना है भुजाओं और कोणों के बीच को जो संबंध को जो प्रदर्शित करते हैं वो आपका त्रिकोणमिति है। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि त्रिकोणमिति का प्रयोग जो आपके क्लास में है वो सिर्फ जो है राइट एंगल ट्रेंगल में ही यूज हुआ है जो है। तो आप राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में पिछले जो है क्लासों में पढ़ ही चुके होंगे, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। और त्रिकोणमिति के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जो है त्रिकोणमिति के अनुपात और कुछ विशेष कोणों के बारे में जो है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों और समसंख्या के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसके बाद ये त्रिकोणमिति अनुपात जानते हैं कि ये है क्या। थोड़ा सा एक चीज मैं और आपको दूं, त्रिकोणमिति जो है उसको ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं। इसको ग्रीक शब्द की जो भाषा से ये लिया गया है, जिसमें तीन शब्दों में इसको तोड़ा गया है। एक है ट्री, इसका अर्थ है तीन, और उसके बाद है गौन, जिसका अर्थ है भुजा, और एक है मेट्रो, जिसका अर्थ है मापना। अर्थात तीनों भुजाओं या कोणों के बीच को मापने या संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है त्रिकोणमिति अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं वो आपके 6 हैं, जो कि आपको मैं बता दूँ, ये साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा, इसके बाद आपका आता है सेक थीटा, उसके कॉट थीटा, कॉट के बाद आएगा आपका ये सेक थीटा, उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। जहाँ पे मैं आपको तो ये त्रिकोणमिति जो है ये अनुपात है, जो थीटा है आपका ये कोण है, ये आपका जो है बदलता रहेगा। कभी थीटा होगा, बीटा होगा, फाई होगा, या 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, जो भी होगा ये आपका हमेशा बदलता रहेगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो है आपको बैक ले चलता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस जो है प्रमेय की भी चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस पे आप जानते भी होंगे, फिर एक बार मैं बता दूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताया गया होगा कि ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है, और जो आपका ये हॉरिजॉन्टल होता है अर्थात क्षैतिज होता है, ये आपका जो है क्षैतिज होगा आपका, ये आपका बेस होगा, और जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है ये आपका जो है परपेंडिकुलर होता है। याद रहे, जब किसी थीटा की चर्चा ना की गई हो, सिर्फ 90 डिग्री दिया गया हो, तो उस समय ये आपका बेस जो आपका क्षैतिज होगा, जो आपका ऊर्ध्वाधर होगा वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो 90 के सामने होगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा। हिंदी में आप जानते हैं इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी, जब कभी भी याद रहे, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही थीटा की चर्चा की गई हो, जैसे कि यहाँ पे जब थीटा की चर्चा की गई हो, तो थीटा की जो सामने की साइड होगी, जो भुजा होगी, वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। 90 के सामने का जो होगा वो आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। बची जो आपकी भुजा होगी वो आपका बेस कहलाएगा। जैसे अगर थीटा के ये देखें तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि ये इसके सामने है, 90 के सामने हाइपोटेनस वही रहेगा, और बेस आपका जो बचा आपका वो बेस हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम अल्फा के लिए अगर चर्चा करें, तो इस समय जो है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि अल्फा के सामने ये भुजा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस वही रहेगा 90 के सामने, बची हुई भुजा ये बेस हो जाएगी। तो ये आपको जो है आगे इसकी जो है जरूरत पड़ेगी। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच हम संबंध की बात करेंगे। तो ये आपका त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चर्चा हम करेंगे। तो जिसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक आपका अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। मैंने आपको पहले बताया है कि हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, अर्थात ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। अगर मान लीजिए थीटा, यहाँ पे ये थीटा है, तो इस समय साइन थीटा के लिए मैं ध्यान दूंगा। साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद आगे अगला जो आपका आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद आपका आता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद कॉट थीटा आता है,
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपका होता है, ये यहीं से स्टार्ट करते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद सेक थीटा है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और लास्ट आपका जो है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें आप अगर ध्यान दें तो साइन का जो रिलेशन है, साइन का जो रिलेशन है वो कॉसेक से है, और कॉस का जो रिलेशन है वो सेक से है, और टैन का रिलेशन वहीं पे जो है वो कॉट से है। अर्थात देख रहे हैं साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, और कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहां सेक जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस है, जस्ट अपोजिट है, और टैन जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो आपका कॉट जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। अर्थात साइन और कॉसेक का रिलेशन जो है चलता है, और कॉस और सेक का, और इधर टैन और कॉट का। इसके बाद मैं एक आपको एग्जांपल लेके इसमें आपको बताऊंगा, जैसे कि आपका इसमें एक अक्सर क्या करते हैं, एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया रहता है, आपको दूसरा कोई पूछता है, या कभी कभी एक देते हैं दो तीन पूछते हैं, या एक दे करके कभी कभी जो बचे हुए पांचों त्रिकोणमिति अनुपात है वो सब पूछ लेते हैं। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें एक जो है दे करके पांचों बताया गया होगा, कि जिससे आपके सारे उसमें आ जाए। जिसमें आपके मैं देखता हूँ वहाँ पे आपके जो पहली सवाल दी गई है, जैसे यह दिया गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू और पूछा है कि sin थीटा का मान क्या है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर cos थीटा जो होता है, अगर cos थीटा इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जबकि sin थीटा जो आपका होता है, sin थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अर्थात हमको परपेंडिकुलर यहां पे चाहिए, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम पर चलेंगे। और आपको पता ही होगा पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें आपको बताया गया होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पे आप देखिए मैं यहां पे हमें उपलब्ध है हाइपोटेनस हमारा 3 होगा, 3 स्क्वायर इक्वल टू बेस जो है आपका, बेस जो है आपका 1 है, ये 1 का स्क्वायर होगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 1 इक्वल टू 8, पी स्क्वायर इक्वल टू 8, देन पी इक्वल टू अंडर रूट 8, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी आ जाएगा पी इक्वल टू 2√2। तो यहां से आप देख रहे हैं, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि sin थीटा इक्वल टू यहां पे जो वैल्यू है कि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था 2√2 और अपॉन ये 3 होगा। अब आप देख रहे हैं कि आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का ही प्रयोग किया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका बेस क्लियर हो गया 1, हाइपोटेनस आपका हो गया 3, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया है परपेंडिकुलर आपका आया है 2√2। तो अब इन तीनों के ही माध्यम से बचे हुए जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि साइन हुआ के पास हुआ है, हम आप टैन निकालना चाहते हैं, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर आपका यहाँ बड़ा है 2√2 और बेस आपका ये यहाँ पड़ा है 1, जो कि फाइनली आपका 2√2 जाएगा। इसी प्रकार से और आप निकाल सकते हैं, पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है आपको पाइथागोरस थ्योरम जानना है, जो कि ये उपलब्ध है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करना है, और उसके बाद पूरा एक्सरसाइज आ ये जो है आप लगा सकते हैं यहां से। थोड़ा से अगला एक्सरसाइज आप देखेंगे, अगला एक्सरसाइज आप देखेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। उसमें सिर्फ क्या करना है, कुछ विशेष कोणों के आपको मान याद करना है, जो कि मैं आपको 5 मिनट में क्लियर करता हूं। जैसे यहां पे आपको कुछ मान होंगे, जैसे 0 डिग्री है, इसके बाद 30 डिग्री है, इसके बाद ये 45 डिग्री है, इसके बाद यहां पे ये 60 होगा, और लास्ट में आपका होगा तो ये 90 डिग्री होगा। इनको याद करने की मैं आपको तरीके ही बताऊंगा, आप ध्यान देंगे। इधर इधर लाइनों में जो है वो ये हमारे जो कोण है एंगल, और इधर जो नीचे के साइड होंगे वो हम आगे होंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। तो इनको याद करने, जैसे देखेंगे हम साइन थीटा से शुरुआत करते हैं, तो साइन की अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे देखेंगे साइन जीरो का मान जो होता है वो 0, इससे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 0 के बाद यहाँ पर आपका आता है 1/2, उसके बाद अगर 45 की बात करें साइन 45 की, तो आता है 1/√2, और उसके बाद 60 के बाद बात करें तो होता है √3/2, और उसके बाद होता है 1। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि साइन का जस्ट उल्टा आपका जो है वो
कॉस होता है, अर्थात अगर कॉस की बात की जाएगी तो कॉस इसका उल्टा होता है, ये किसी का बदलता है वन, उसके बाद रूट थ्री अपॉन टू, इसके बाद वन अपॉन रूट टू, उसके बाद वन अपॉन टू, और उसके बाद आपका ये जीरो, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको साइन अगर का फार्मूला याद है तो कास का आप याद कर सकते हैं। इसमें रिलेशन कैसे चलता है, जो जीरो का ये होता है वो 90, जो 60 का होता है वो 30। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1/2 साइन 30 का था तो यहाँ पे ये कास 60 का हो गया। तो जीरो का जो रिलेशन है वो 90 से चलता है, 30 का जो रिलेशन है वो 60 से चलता है, 45 वही दोनों का मान रहता है। इसके बाद जो अगली वैल्यू आती है अगर देखें तो हम टैन की आती है। टैन में अगर बात की जाए तो टैन का मान होता है, याद करने के तरीके बता रहे हैं, टैन का मान होता है 0 1/√3। और इसमें थोड़ा सा याद करने के लिए देखिए 1/√3 लिखते समय मैंने पहले 1 लिखा है फिर √3 लिखा है, तो अगली बार 1 आ जाएगा फिर आ जाएगा √3, और उसके बाद ये यहाँ पे होता है आपका ये इनफाइनाइट। ये उसके बाद अगला जो आपका नंबर आता है वो काट का है। काट की अगर आप बात देखें इसी को उल्टा रिपीट कर देना है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, फिर हो जाएगा √3, फिर हो जाएगा 1 1/√3, और फिर उसके बाद 0। ये इसके बाद दो और बजेंगे आपके, इसके बाद जो आपका अगला नंबर आता है वो है सेक का। तो ध्यान देंगे सेक जो है आपका वो 1 से स्टार्ट होगा, 1, उसके बाद 2/√3 है, उसके बाद √2 है, उसके बाद आपका 2 है, उसके बाद आपका इनफाइनाइट है। और कॉसेक के लिए जस्ट इसको आपको फिर से जो है रिवर्स कर देना, यहाँ से आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका √2, और उसके बाद यहाँ से आपका 2/√3, और इसके बाद आपका यहाँ आपका लास्ट में ये बना। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइन जो है, साइन का जो रिलेशन है वो कॉस से है, टैन का जो रिलेशन है वो काट से, टैन और काट का हमेशा लगभग रिलेशन हमेशा ही चलता है, और इसके बाद यहाँ पे आपका ये कॉसेक होगा। सेक का जो रिलेशन होता है वो आपका है कॉसेक से। ये अगर ये आपको याद होगा तो अगला जो आपका एक्सरसाइज होगा जो 10.2 होगा उसको आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसमें केवल और केवल वैल्यू रखना है और वैल्यू रख के सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जैसे अभी आपसे हमने साइन 60 दिया है, कॉस